Hey everyone, welcome to News Bill. Let's talk about DIGVIJAY's wildcard entry. Uske alawa recently, saamne se Akriti revealed that use Rishabh ne eliminate kar diya hai. To abhi DIGVIJAY ka jo elimination hai na, kaafi logo ke liye surprising tha. Jis wajah se kya uska wildcard entry hoga, is par discussion ho raha hai. Kuch logo ne ye comment bhi kiya tha that Rishabh ne apne ek discussion mein na ye hint drop kiya hai that DIGVIJAY ka wildcard entry hoga. But mostly iske chances kaafi kam hai. Reason being, ek to pehle hi beech mein na 4 wildcards aa gaye the. उसके अलावा दो बार नो एलिमिनेशन का ट्विस्ट आ चुका है वाशु एंड पल्लवी के वक्त तो अभी सिर्फ दिग्विजय को वापस लाएंगे तो हो सकता है दूसरे जो भी कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट हुए हैं जैसे गैरी नायरा उनके लिए थोड़ा अनफेयर हो जाएगा बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी परफॉर्मर थे बट एलिमिनेट हो गए एंड शो जो है ना वो अभी अपने सेकेंड हाफ में है जर्नी अभी वो पार्ट में है जहाँ पे पहले तो टीम्स बदलेंगे फिर फटाफट एलिमिनेशन होंगे सो दैट टॉप 6 कंटेस्टेंट्स शो को मिल जाए एंड इन केस ऐसा हुआ कि दिग्विजय वापस आ रहा है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा बिकॉज वो सेमीफिनाले में नहीं है विच मीन्स एक तो वाज अ वाइल्ड कार्ड आएगा इसके चांसेस बहुत कम है एंड आया भी तो फिर से ही विल गेट एलिमिनेटेड तो ये ट्विस्ट जो है ना वो इस बार नहीं आने वाला अपार्ट फ्रॉम दैट जब रोडीज का जर्नी खत्म हुआ था उसके बाद कई सारे रोडीज प्रिंस नरला के साथ ना उनके सॉन्ग पे रील बनाने के लिए उनसे मिले थे सचिन आकृति हिमांशु ऋषभ दिग्विजय जोगिंदर एंड और भी कुछ कंटेस्टेंट्स आए थे एंड उस वक्त आकृति ये बोलती हुई दिखाई दी दैट ऋषभ ने मुझे एलिमिनेट कर दिया अपने दोस्त को बचाने के लिए एंड ये सीरियस वे से वो बोल रही थी हाँ मुझे वोटर पे भी शर्म नहीं आती शर्म नहीं आती अपने दोस्त को बचाने के लिए मुझे वोटर नहीं यार ये सब चीज डिस्क्लोज नहीं करना भाई इसको बोलो यार डिस्क्लोज नहीं करना यार क्या इसमें जब वो डाउट कर दिया दोस्त को बचाने तो शायद यहाँ पे सचिन के बारे में बात हो रहा था क्योंकि ऋषभ का एटलीस्ट शो पे क्लोज फ्रेंड सचिन था तो मे बी उसके अगेंस्ट वोट्स ना जाए बोल के सबने आकृति को टारगेट किया होगा एंड अगर ऐसा हुआ तो सचिन से पहले आकृति वोट आउट होके घर चली जाएगी एंड आकृति ने इवन हिमांशु को देख के भी ये बोला था तो पॉसिबिलिटी है दैट हिमांशु भी एलिमिनेट कर सकता है आकृति को बिकॉज हिमांशु आगे जाके प्रिंस नरुला की टीम में जाएगा तो उसके लिए आकृति का भी प्रायोरिटी थी ही नहीं बट मे बी आकृति ऋषभ से एक्सपेक्टेशंस रख रही थी क्योंकि इतने वक्त से उनके टीम का वो हिस्सा थी एनीवेज टीम शफलिंग के कुछ वक्त बाद ना आकृति वोट आउट हो जाएगी उसके बाद देर वॉज दिस क्लिप जहाँ पे दिग्विजय एंड प्रिंस नरुला ना बात कर रहे कैंप साइड के उधर ये शायद वाशु का जो एलिमिनेशन हुआ था ना वो सॉर्ट आउट एपिसोड के बाद वाला डिस्कशन होगा यहाँ पे दिग्विजय वो सेइंग टू प्रिंस नरुला कि आप ही बोलते हैं छोड़ में खेलो खुल के खेलो जिस पे प्रिंस ही इसकी मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग को बचा के रखो सो दैट खेलने में भी मजा है एंड हारने में भी तो प्रिंस नरुला की यही बात पे ना एक सार्कास्टिक वे में दिग्विजय ने कॉमेंट किया स्ट्रॉन्ग बचा के रखो ही जस्ट रिपीटेड व्हाट प्रिंस नरुला सेड मे बी यहाँ पे वो ये हिंट करना चाहता था कि वो खुद एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर था स्टिल उनके टीम ने उसे भी एलिमिनेट कर दिया देन प्रियंका चौधरी जो एलिमिनेट हो चुकी है ना उसने भी यहाँ पे कमेंट किया कौन स्ट्रॉन्ग है कौन नहीं हाउ कैन एनीवन डिसाइड हु गिव्स देम दिस पावर टू डिसाइड हु नीड्स द शो मोर हु इज डिजर्विंग एवरीवन हैज देयर ओन स्ट्रगल एंड हार्डशिप सॉरी जिसको निकालना है निकालो बट डोंट बिकम अ जज टू कंक्लूड कौन स्ट्रॉन्ग है एंड कौन नहीं ऑल्सो एक सेशन के दौरान ना प्रिंस नरुला ने गौतम के बारे में बात किया वो जो बीच में एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें गौतम ने बोला था कि उसने सलमान खान से बात किया था एंड उसे किसके पेट पे लात नहीं मारना था इसलिए उसने छोड़ दिया वो इशू को एंड टॉपिक को बड़ा नहीं किया इसमें प्रिंस ने बोला कि गौतम क्या बोल रहा है कि किसके पेट पे लात नहीं मारना मैं ही था वो पर्सन जिसने उसका नाम सबसे पहले रेफर किया था शो के लिए सेइंग दैट कि गौतम गुलाटी से पूछ लो शो के लिए एकदम देखा तो मैंने बोला ये गौतम भैया ने क्या बोला गौतम भैया तो कभी डिसरिस्पेक्ट करते नहीं है मैं तो कुत्ता भैया की लैंग्वेज बड़ी अच्छी हो गई एक लाइन में आके बोल रहा था ये कि मैंने भाई को बोला मैं इसका पेट पे लात नहीं मारना चाहता था बेटा 7 साल से इसी शो में तू पहला साल में आया और तेरे नाम को रेफर भी मैंने किया था कि भाई गौतम से पूछ लो So yeah, that's it for this video. Do let me know कि क्या आप दिग्विजय को वापस शो में देखना चाहोगे एंड आकृति के एलिमिनेशन पे आपका क्या कहना है एंड अगर आपको एपिसोड के हाइलाइट्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज का लिंक है वहाँ पे आपको मिल जाएगा और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए थैंक यू